आज का शुभ संदेश हर वर्ष जीवन की समीक्षा करें। समीक्षा से हर कार्य अच्छा होता है, क्योंकि समीक्षा ये बताती है कि आपने क्या खोया, क्या पाया, आपकी क्या बॉटल नेक्स है, वह समीक्षा से मालूम पड़ती है। और हम किसी भी कार्य की, जीवन की, फैक्ट्री के उत्पादन की, देश की, प्रशासन की समीक्षा ही नहीं करें तो हमको क्या मालूम पड़े कि वह सरकार किस तरीके से प्रशासन कर रही है, हमारी फैक्ट्री घाटे में है या नफे में है। और हमारे जीवन का भी हम समीक्षा ना करें तो क्या मालूम पड़े कि हम खो रहे हैं, पा रहे हैं। तो जो आज का हमारा विषय है कि आप एक समय निर्धारित कर लें, 1 अप्रैल का करें, दीपावली का करें, या जो भी आपको सूटेबल हो, उस दिन के अंदर आप बैठ करके पेपर पेन लेकर के देखें कि पिछले वर्ष से इस वर्ष के अंदर मैंने क्या क्या फिजिकल उपलब्धियां है वो लिखो, कि मैंने कुछ कार्य किया, कुछ कमाया, कुछ नया सीखा। ये तो फिजिकल उपलब्धि हो गई। और साथ साथ में जो हमारा मुख्य कार्य, क्योंकि फिजिकल तो यही रहने वाला है, ये सारा इस शरीर के साथ जाने वाला है, जितने भी हमारे संबंध है, सत्ता है, धन है, संपत्ति है, शरीर गया, सब गए। और आध्यात्मिक यानी आत्मा, आत्मा में जो ज्ञान इकट्ठा होता है वह साथ जाता है। तो ये भी देखें कि मेरे आत्म ज्ञान में इस वर्ष में कुछ चीजें जोड़ी है कि नहीं जोड़ी है, और कर्म शरीर जो इसको बांधा हुआ है, इसको कुछ कम किया या ना किया है। आत्मा के ज्ञान को बढ़ाना और कर्म शरीर को शिथिल करना, हल्का करना, ये इसकी पूरी समीक्षा हर वर्ष करें।